हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी एस गौरव सेठ फ्रॉम शेपर्स एजुकेशन। और आज का लेक्चर जो है वो है हमारे क्लास 9 सीबीएसई के लिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी टॉपिक दैट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जहां पर हम कुछ कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स भी समझेंगे विलेज के एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये देखिए आपके सामने जो है वो नोट्स आ चुके हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो देखते हैं सबसे पहले विलेज का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि दिस इज द हाइपोथेटिकल विलेज, मींस दिस इज द इमेजिनरी विलेज, जहां पर हमें हाइपोथेटिक एग्जाम्पल के थ्रू अलग अलग इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में समझाया है। तो सबसे पहले देखते हैं विलेज में फैमिलीज की बात की गई है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 450 फैमिलीज जो थी वो रहती थी, और आउट ऑफ 450 80 जो है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती थी। देखिए आपको अपर कास्ट फैमिली थी जो कि उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड थी, माइनॉरिटी पीपल थे, रिच पीपल थे, बिकॉज दे वर रिच तो उनके पास लैंड जो थी वो मेजॉरिटी, जितनी भी लैंड जो थी वो इनके पास थी। एंड अपर कास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड थी, एंड देयर हाउसेस आर बिग, बिकॉज वो रिच थे, उनके पास लैंड थी, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, तो इसीलिए उनके हाउस जो है वो काफी ज्यादा बड़े थे, और उनके हाउस जो थे वो ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मीन्स 450 का अगर हम 1/3 करें दैट इज 150। ओके, तो 150 पीपल जो थे वो थे स्केड्यूल कास्ट और दलित से, जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर हमें अपर हाउस बताया है, एंड नेक्स्ट हमें बताया है लोअर कास्ट के बारे में, दैट इज स्केड्यूल कास्ट एंड दलित कास्ट, एंड बिकॉज वो पुअर थे तो वो छोटे छोटे घरों में रहते थे, और उनके घर जो थे वो मड और स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ मीन्स ड्राई ग्रास। ओके, तो उनके घर जो थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो मड और स्ट्रॉ से बने हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, तो वहां पर उस विलेज में एक हाई स्कूल था और दो प्राइमरी स्कूल थे। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो दो है, एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जो कि प्राइवेटली चल रहा है, डिस्पेंसरी है, और एक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट चलाती है। नेक्स्ट मार्केट की बात करें तो दो मार्केट है, एक तो रायगंज एंड शाहपुर जो कि विलेज के आसपास है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की अगर हम बात करें तो वहां पर जितने भी घर है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, मीन्स इस गांव में पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है सारे घरों में, और इलेक्ट्रिक पावर्स के थ्रू अलग अलग पर्पसेस जैसे कि ट्यूबवेल्स हो गया फील्ड्स में चलते हैं, और अलग अलग वैरायटी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस जो है वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन की बात, तो वो अपने नेबरिंग विलेज से जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा वो काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी है, और देखिए आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर, बुलक कार्ट्स हो गए, टोंगास हो गया, बग्गीज हो गए जो कि जैगरी या गुड़ कैरी कर कर जाते हैं और मार्केट में जाकर उन्हें बेचा जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी थी, और उसी के साथ साथ मोटर व्हीकल्स जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स जो है वो इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल है, जो कि गुड्स और पीपल को आराम से ट्रांसपोर्ट करते हैं। नियरेस्ट विलेज की बात करें तो वो नियरेस्ट टाउन की या विलेज की बात करें तो वो है शाहपुर। तो आई होप आपको एकदम इंट्रोडक्शन से समझ आ गया हो, एक ओवरव्यू मिल गया हो कि विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज प्रोडक्शन इन द विलेज, मीन्स प्रोडक्शन इन द विलेज मीन्स विलेज में क्या क्या काम या प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती थी। तो या तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी, मेजर लोग जो है 75% ऑफ द पीपल जो है वो एंगेज थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, और उसके अलावा जो रेस्ट जो पीपल है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे फार्मिंग के अलावा, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और शॉपकीपिंग या मार्केटिंग या डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो जॉब जो है वो करते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एग्जाम में उसको अच्छे से करके ही जाना है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन, और उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं कि प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि जरूरी है, इससे इसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए
प्रोडक्शन इज द प्रोसेस। सबसे पहले प्रोडक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर गुड्स जो है वो बनाए जाते हैं, और अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज भी रेंडर या प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स, अगर हमें कुछ भी प्रोडक्शन या सर्विसेज रेंडर या प्रोवाइड करनी है तो उसमें जरूरी है कि ये फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो होने ही चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन की बात करें तो कंपल्सरी है कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप या ह्यूमन कैपिटल जो है वो होनी चाहिए। इन चारों को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन। अब हम लैंड के बारे में देखते हैं, तो लैंड जो है वो जरूरी ही है हमारे प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज जो भी रॉ मटेरियल जो भी क्रॉप आएंगे वो लैंड से ही आने वाले हैं, एंड अगर हमारी फैक्ट्री सेटअप करनी है तो वो लैंड पर ही होने वाला है। तो लैंड जो कि नेचुरल रिक्वायरमेंट है और एक नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स जो है वो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम लेबर की बात करें तो लेबर, कोई भी मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं या कोई भी बिजनेस चलाऊं वहां पर मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी मेरे काम को पूरा करने के लिए, तो लेबर जो है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब हम लेबर में समझेंगे दो टाइप के होते हैं, एक तो होंगे एडुकेटेड लेबर जो कि स्किल्ड लेबर है, जहां पर हमें जैसे कंप्यूटर चलाना है तो उसके लिए एक एडुकेटेड लेबर या वर्कर की जरूरत पड़ेगी। तो दो टाइप के होते हैं लेबर, स्किल्ड लेबर जो कि स्किल्ड जॉब में काम आएंगे, और एक टाइप होते हैं अनएडुकेटेड या उसको हम बोलेंगे अनस्किल्ड लेबर। तो जो भी फिजिकल वर्क है, जो जहां पर जैसे कि हमें मिट्टी को खोदना है तो वहां पर कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम ऐसे लेबर्स को एम्प्लॉय करेंगे जो कि अनस्किल्ड है और उसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल कैपिटल, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिजिकल कैपिटल जो है वो डिवाइडेड है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। इसका क्लासिफिकेशन भी हमें पूछते हैं, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस भी पूछते हैं। तो अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल जो है उसके एग्जांपल्स अगर आते हैं डिफरेंस में तो हमें इसी वे में लिखना है। तो फिक्स्ड कैपिटल मीन्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, परमानेंट। एक बार मैंने मशीनरी खरीद ली है तो मैं रोज डेली पर्पस पर रोज मैं मशीन नहीं खरीदूंगा, वो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स्ड हो गया। एक बार मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग खरीद ली, मैं रोज फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं खरीदूंगा, वो फिक्स्ड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो जैसे मेरा रॉ मटेरियल जो भी होगा जो कि मुझे रोज रोज खरीदना पड़ेगा, रोज रोज मुझे खरीदने के लिए रुपए चाहिएंगे, मनी चाहिएगा, तो ऐसी चीजें जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रोज जो है वो वर्क करने देती है तो वो होता है वर्किंग कैपिटल। तो एग्जांपल देखिए, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग और रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड जो है वो वर्किंग कैपिटल होते हैं। अब हम देखते हैं टूल्स एंड मशीन की अगर हम बात करें तो वो सिंपल टूल, छोटे से छोटे टूल से लेकर बड़े से बड़े टूल जो है हमें हमारे बिजनेस में खरीदने पड़ते हैं। जैसे कि अगर फार्मर की बात करें, प्लॉ से लेकर छोटे से छोटा टूल से लेकर बड़ी बड़ी एडवांस मशीन जैसे कि जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर जो है वो चाहिए, ये सब जो है वो क्लासिफाई होंगे फिक्स्ड कैपिटल में। हमने एग्जांपल देख ही लिए, टूल्स, बिल्डिंग्स, मशीन जो है जो कि प्रोडक्शन में यूज होती है और वो फिक्स्ड है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दूसरे एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि मेरी एक पोटेटो चिप्स की फैक्ट्री है, अब पोटेटो चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, एंड द रॉ मटेरियल इज पोटेटोस। तो पोटेटोस जो है जो कि आने वाले हैं उसको मैं बोलूंगा रॉ मटेरियल। तो रोज जब भी मैं चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मुझे रोज जो है वो पोटेटोस जो है वो खरीदने पड़ेंगे, और पोटेटोस खरीदने के लिए मुझे कैश भी या मनी भी चाहिएगा, तो इसीलिए रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड जो है वो होता है वर्किंग कैपिटल। अगर ये रॉ मटेरियल और पैसे हमारे पास नहीं होंगे तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका नाम है वर्किंग कैपिटल। हमें टेक्स्ट बुक में एक पॉटर का एग्जाम्पल दे रखा है जो कि मिट्टी से जो है वो बर्तन या यूटेंसिल्स जो है वो पॉटरी करता है और बनाता है, तो उसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल मिट्टी, ठीक है, मड जो है उसके लिए, तो उसे रोज जब भी वो यूटेंसिल्स या पॉटरी कर रहा है तो उसको क्ले चाहिएगा उसको बनाने के लिए, और क्ले खरीदने के लिए उसको मनी चाहिएगा। तो ये सब जो है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड जो है वो आते हैं वर्किंग कैपिटल में।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंटरप्रीनरशिप। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो बोल सकता हूं बॉस, जो कि लैंड का यूज कर कर, लेबर का यूज कर कर और फिजिकल कैपिटल का यूज कर कर प्रॉफिट कमा रहा है, एक बिजनेस चला रहा है, बड़ी फैक्ट्री चला रहा है, तो उसे बोला जाता है एंटरप्रीनरशिप। तो देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, किसी भी प्रोडक्शन करना है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए और एक एंटरप्राइज होनी चाहिए, ताकि के वो तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड का, लेबर का और फिजिकल कैपिटल को एक साथ कंबाइन करे और इस चीज को यूज कर कर वो प्रॉफिट कमाए। बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्व है, इसीलिए उसको हम ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एवरी प्रोडक्शन जो है हमें कंबाइन, अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होती है, और इसीलिए हम उसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या हमने समझा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मिंग इन पालमपुर। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है फार्मिंग पालमपुर में, एंड 75% ऑफ द पीपल जो है वो फार्मिंग में काम करते हैं, फार्मिंग या एज अ फार्म लेबर। जिनके पास लैंड है खुद की, वो फार्मिंग, खुद ही फार्मर का काम करते हैं, और जिनके पास लैंड नहीं है तो वो दूसरों के फार्म पर जाकर फार्म लेबर का काम करते हैं, और पूरी तरीके से वो जो भी फार्म से प्रोड्यूस करते हैं उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अब पालमपुर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो देखते हैं प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पालमपुर में लैंड जो है वो पूरी तरीके से फिक्स है, जितनी हमारे पास लैंड है उतनी ही लैंड है, उससे ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। तो वहां पर लैंड जो है वो फिक्स है, तो जितनी लैंड है उसी पर उन्हें कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेन प्रॉब्लम जो है फार्मर्स की इस विलेज की वो है कि लैंड जो है फिक्स लैंड है जिसको उन्होंने कल्टीवेशन में कर दिया है, लेकिन इन द ईयर 1960, सपोज मान लो कि थोड़ी सी वेस्ट लैंड भी यहाँ पर थी जो कि पोल्यूटेड थी, अनफर्टाइल थी, तो 1960 में उन्होंने क्या किया, इस लैंड को भी एकदम प्योर किया, पोल्यूशन और उसको हटाया, साफ किया, और इस पर फर्टिलाइजर के थ्रू, इस लैंड को भी प्रोडक्शन के थ्रू जो है फर्टिलाइजर्स और इनके थ्रू जो है वो लैंड को अच्छा कर दिया, फिट फॉर प्रोडक्शन। तो उन्होंने ये वाली लैंड को भी पूरा मिक्स कर दिया। बस अब कोई भी लैंड उनके पास नहीं बची है, कोई भी स्कोप नहीं है कि वो लैंड को बढ़ा सके, और जितनी कम लैंड उतना कम प्रोडक्शन। अगर लैंड ज्यादा होती तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होता, लेकिन लैंड जो है वहां के फार्मर्स पर फिक्स है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है वो फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज उनके पास एक फिक्स एरिया ही है कल्टीवेशन का। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई हो, सिंपल सा है, फिक्स लैंड है उनके पास, वो ज्यादा, जितनी लैंड है उतने पर ही वो कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए कभी भी हमें एग्जाम में ये पूछा जाता है तो हमें ये दो एकदम कंपल्सरीली लिखने हैं कि दो सॉल्यूशन हो सकते हैं कि फिक्स लैंड पर हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सके। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो हम मॉडर्न मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मर जो है उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए नए मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन का यूज किया है, जिससे कि वो ज्यादा यील्ड को हम बोलेंगे प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा फिक्स लैंड पर प्रोडक्शन कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट इज दे अडॉप्टेड द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम पर्शियन विल के बारे में। ठीक है, तो ये पर्शियन विल है, ओल्ड मेथड है, उसको हमें हाथ से ही खुद चलाना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो उन्होंने पर्शियन विल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया ट्यूबवेल से। अब इलेक्ट्रिसिटी से वो ट्यूबवेल चलते हैं, मोटर के थ्रू चलते हैं, तो फटाफट से क्या होता है, फटाफट से अब जो है लैंड इरिगेट हो पाती है। तो उन्होंने, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्लेसमेंट ऑफ द पर्शियन विल विद द इलेक्ट्रिक मोटर ट्यूबवेल। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फर्स्ट ट्यूबवेल जो है वो इंस्टॉल बाय गवर्नमेंट। पहले पहले स्टार्टिंग में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने हेल्प करी और गवर्नमेंट ने ही इंस्टॉल किए, लेकिन सून फार्मर्स को इसके बेनिफिट और एडवांटेजेस समझ आए, तो प्राइवेट फार्मर्स जिनके पास पैसा था वो भी प्राइवेट ट्यूबवेल जो है वो इंस्टॉल करने लगे, और बाय द मिड 1970s पूरी जितनी भी वहां पर लैंड थी जो कि फिक्स लैंड थी, 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो था वहां पर पूरी तरीके से ट्यूबवेल्स का यूज करने जाने लगा, और बेटर इरिगेशन
मतलब क्या हुआ, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छे स्पीडली प्रोडक्शन होगा और मोर येल्ड या प्रोडक्शन होगा उसी फिक्स्ड लैंड पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हमें डेफिनेशन अच्छे से समझनी है, मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो जब हम एक ही फिक्स्ड लैंड पर एक से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक ही लैंड पर हम थोड़ा थोड़ा करके एक से ज्यादा क्रॉप अगर प्रोड्यूस करें फिक्स लैंड पर तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो देखिए, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर उसे हम बोलेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। एंड फार्मर जो है वो कम से कम दो क्रॉप जो है वो सो करते ही थे, कल्टीवेट करते ही थे, और अगर किसी के पास थोड़ी एक्स्ट्रा लैंड है तो वो एज अ थर्ड क्रॉप जो है वो पटेटोज भी कल्टीवेट कर, दो क्रॉप तो ऑलरेडी करते थे एंड एज अ थर्ड क्रॉप वो पटेटोज का भी येल्ड या प्रोडक्शन जो है वो करते थे। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन जो है एक ही लैंड पर रहकर हम दो तरीकों से, एक तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन और एक मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू हम एक ही लैंड पर रहकर फार्मर जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे। नाउ दी अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में भी हमें एग्जामिनेशन में कभी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है जब हमने, इंडिया ने बहुत ज्यादा फार्मिंग पर ध्यान दिया, फर्टिलाइजर्स यूज किए, हाई क्वालिटी ऑफ सीड दैट इज HYB सीड्स का यूज किया और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो इसे हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, या हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं हम हरित क्रांति। तो सिंपल सा है, जब बहुत ज्यादा फार्मर्स और गवर्नमेंट की हेल्प से हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया उसे बोला जाएगा ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब हम देखते हैं लार्ज इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड्स या क्रॉप प्रोडक्शन लीडिंग टू रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन। हमने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया कि रिकॉर्ड ही तोड़ दिए इन अवर कंट्री फ्रॉम 1960। ईयर भी अच्छे से याद रखना है, फ्रॉम 1960 हमने ऐसे स्टेप्स उठाए कि हमने रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन कर दिया, तो ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था और ये जो था उसे हम बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट क्रॉप में इन द लास्ट 30 ईयर उसको हम बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। और शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो थे वो वहां पर फार्मर्स ने पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज किया और रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया। कैसे किया, अब हम देखते हैं क्या क्या यूज किया। हमने हाई क्वालिटी वेराइटीज ऑफ सीड्स का यूज किया जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HYB सीड्स भी बोलते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा क्रॉप जो है वो सिंगल लैंड पर प्रोड्यूस होने लगे। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया और एक बहुत ही मॉडर्नाइज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन का यूज किया, और इस तरीके से हमें रिकॉर्ड तोड़ जो है वो प्रोडक्शन मिला। और इसने हमारी जो भी फूड प्रॉब्लम्स जो थी, क्राइसिस का मतलब होता है इंडिया में जो फूड प्रॉब्लम्स जो थी, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया कि सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिमूव कर दी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और इसकी वजह से इनकम भी हुई और जो फार्मर्स जो थे उनको पॉवर्टी जो है उनकी कहीं ना कहीं कम हुई। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमने देखा था कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या क्या फायदे हुए। तो सबसे पहला, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इरिगेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बदल गया, मॉडिफाई हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ट्यूबवेल्स का यूज करने लगे मोटर्स के थ्रू और ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ट्यूबवेल्स जो थे, पर्शियन व्हील जो था वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो गया और ट्यूबवेल्स का यूज करने लगे, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। एंड स्मॉल बिजनेसेस जो थे जैसे कि शुगर क्रशिंग मशीन जो थी, मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यूज होती थी, तो इसकी वजह से शुगर केन में जो एम्प्लॉयड जो थे उन्हें ज्यादा फायदा हुआ। और ये एक सोर्स है इरिगेशन का और पूरी तरीके से अफोर्डेबल भी है, मींस कम पैसा लगता है, रीजनेबल भी है और पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री भी है। और डोमेस्टिक वर्क जो कि घर में, हम जो घर में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है जैसे कि बल्ब लगाना, लाइट्स लगाना, टीवी चलाना, ये सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हुआ। तो इस तरीके से पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा यूजफुल हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पालमपुर विलेज में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट थी, मीन्स किसके पास कितनी लैंड थी। तो हमने ये चीज पहले ही देखी थी, टोटल 450 फैमिलीज थे, 150 फैमिलीज जो थे वो लैंडलेस थे जिनके पास कोई लैंड नहीं थी, 1/3 ऑफ द 450 दैट इज 150, और मोस्ट ऑफ देम जो थे वो दलित या लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। 240 फार्मर्स जो थे उनके पास 2 हेक्टर से कम लैंड थी,
और वो छोटे मोटे लैंड पर कल्टीवेशन या फार्मिंग करते थे। और 60 ऐसी फैमिलीज या फार्मर्स जो थे, जो कि पैसे वाले थे, रिच थे, मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड थी। और इतने ज्यादा अमीर या लार्ज फार्मर्स थे कि इनमें से कुछ कुछ फार्मर्स के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भी लैंड थी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि 150 लैंडलेस, 240 जिनके पास लेस देन 2 हेक्टर्स लैंड, एंड 60 फार्मर्स जो कि बड़े फार्मर्स थे, उनके पास मोर देन 2 हेक्टर्स लैंड थी। अब यहां पर हमने देखा 2 हेक्टर्स, तो हेक्टर्स का मतलब समझते हैं, ये एक यूनिट है। जब हम लैंड को मेजर करते हैं तो वो जो यूनिट जो होती है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग अ लेंथ इज हेक्टर, और उससे गांवों में या लोकली बीघा, आपने सुना ही होगा 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, तो लोकल लैंग्वेज में बीघा या गुंता बोलते हैं हेक्टर को। और अगर हम मैथमेटिकल टर्म से बात करें तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, जो हम स्क्वायर का एरिया जो निकालते हैं वो होता है, और एक साइड जो है वो होती है 100 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमें कभी कभी 1 मार्क्स की डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेबर रिक्वायरमेंट, के पालमपुर विलेज में लेबर जो है वो कौन प्रोवाइड करता था, और उनका उनको पेमेंट जो है वो कैसे, अगर जो एज अ लेबर काम करता है तो उन्हें पैसा कैसे मिलता था। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता ही है फार्मिंग में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। अब हम समझते हैं स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो, स्मॉल फार्मर्स है उनको तो किसी को एम्प्लॉय करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो इसीलिए वो खुद ही क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, उनको अपनी लैंड पर जो है वो कल्टीवेशन करते थे, वो किसे एम्प्लॉय नहीं करते थे, बिकॉज वो उनके पास खुद ही पैसा नहीं है, और दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग देमसेल्फ, खुद ही की फार्म है अगर तो वो खुद ही फार्मिंग करते थे। लेकर हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की बात करें, जिनके पास बहुत पैसा है वो खुद तो काम करेंगे नहीं, तो इसीलिए वो फार्म लेबरर्स को या फार्म वर्कर्स को हायर करते थे और वो उनकी फील्ड पर काम करते थे। अब हम देखते हैं फार्म लेबर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। फार्म लेबर्स जो थे या तो लैंडलेस थे, मतलब उनके पास कोई फार्मिंग नहीं थी, तो वो फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और वो लैंडलेस थे तो वो दूसरों की लैंड पर स्मॉल प्लॉट जो है उस पर कल्टीवेशन करते थे। और फार्म लेबर जो थे, सीधी सी बात है, अगर मैं किसी की जमीन पर एज अ वर्कर काम कर रहा हूं तो जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है वो मेरा नहीं होगा, वो ओनर का होगा। तो जो फार्म लेबर जो थे उसके पास कोई राइट नहीं था जो भी वो क्रॉप जो है वो कल्टीवेट करता था, बल्कि जो वो काम करते थे उनके लिए उन्हें वेजेस जो है वो दिए जाते थे, जो भी सैलरी उन्हें पगार जो है वो दी जाती थी। अब हम देखते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस टू द फार्म लेबर, किस तरीके से वेजेस या पगार देती थी, या तो वो कैश में या काइंड में। काइंड का मतलब होता है तुमने काम किया है, मैं आपको 2 दिन का खाना जो है वो दे दूंगा और कैश नहीं दूंगा। तो काइंड का मतलब होता है जो कि कैश में नहीं होते हैं उन्हें जो है वो काइंड बोला जाता है। तो समटाइम्स जो है उन्हें मील्स या फूड भी प्रोवाइड किया जाता था, और वेजेस जो है वो डिपेंड करती थी रीजन टू रीजन। आप इस रीजन में तो आपको ज्यादा पगार मिलेगी, आप इस रीजन में कल्टीवेट कर रहे हो तो आपको कम पगार मिलेगी, कौन सा क्रॉप आप कल्टीवेट कर रहे हो उस पर भी पगार या वेजेस जो है वो डिपेंड करती थी, और ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी ज्यादा वेरी करता था। मीन्स अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो ज्यादा पैसा, कम काम कर रहे हो तो कम पैसा, और डिपेंड करता था डेली बेसिस पर, रोज मैं काम रोज जो है वो लेबरर्स काम करेंगे तो रोज रोज उन्हें पैसा मिलेगा, या मंथली पैसा मिलेगा, या ईयरली जो है वो पैसा मिल सकता है। तो इस तरीके से फार्मर्स का पेमेंट जो है वो किया जाता था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपिटल और मनी रिक्वायरमेंट। मनी का मतलब कि जो भी हम एक्टिविटी, जो हम बिजनेस चला रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आता था। तो स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो मोस्टली स्मॉल फार्मर्स जो है, बिकॉज उनके पास पैसा होता नहीं था, फार्मिंग एक्टिविटीज कम होती थी, प्रॉफिट नहीं होता था, तो उन्हें मनी जो है वो बोरो करना पड़ता था। किन किन से मनी जो है वो बोरो करना पड़ता था, तो देखिए, लार्ज फार्मर्स जिनके पास पैसा है, विलेज मनी लेंडर्स, और ट्रेडर्स जो है जो कि उन्हें इनपुट सप्लाई करते हैं जैसे सीड्स और ये सब। तो फार्मर्स जो है, जो कि स्मॉल फार्मर्स जो है, उन्हें पैसा जो है वो इन तीनों से बोरो करना पड़ता था। और आपने पढ़ाई है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट, जब हम बोरो करते तो इंटरेस्ट भी लगता है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थे ये तीनों बहुत ज्यादा चार्ज करते थे,
और उनकी कल्टीवेशन इतनी नहीं हो पाती थी, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे। इसीलिए उनकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल वाली होती थी। पहले से ही लोन है और वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की बात करें तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता ही था, तो उनकी खुद की सेविंग्स होती थी, तो जितना वो प्रॉफिट कमाते थे उसमें से वो सेव करते थे और बाकी का जो है वो अरे जो भी उन्हें कैपिटल जॉब चाहिए, जो भी चीजें खरीदनी है उनसे वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने देखा कि मेजर जो है वो फार्मिंग में 75% जो है वो फार्मिंग में ही एम्प्लॉयड थे, लेकिन कुछ कुछ लोग जो थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे। सबसे पहला है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी डेयरी। तो बहुत सारे फार्मर जो थे वो मिल्क और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में भी एम्प्लॉयड थे और वो रायगंज में जाकर वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बेचते थे और पैसा जो है वो कमाते थे। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो छोटे मोटे बिजनेसेस भी वो चलाते थे, जैसे कि पिकल मैन्युफैक्चरिंग, घर पर ही अचार बनाना, खाखरा मेकिंग। तो यहाँ पर फार्मिंग के अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी वो एम्प्लॉयड थे और बिकॉज इनके पास इतना पैसा नहीं होता था वो खुद ही काम करते थे, वो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे। शॉपकीपर्स की अगर हम बात करें, इन शॉर्ट मैं बोलूं किराने की दुकान, ठीक है, वो अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर, टी, बिस्किट्स जो है वो बेचते थे और अपना घर जो है वो चलाते थे। और इसके अलावा हमने देखा ही था कि पालमपुर में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बहुत सारे लोग जो थे वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे, जैसे बस हो गया, ट्रक्स हो गया, टंगा वाला हो गए, जीप्स हो गए, ये सब जो है या तो वो सामान को या गुड्स को जो है, ठीक है, गुड्स को या पीपल को कैरी करते थे और उसके बदले में लोग उन्हें पैसा देते थे ट्रांसपोर्टेशन का और वो अपना घर चलाते थे। तो ये सारी एक्टिविटीज जो थी वो क्लासिफाई होगी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ द पालमपुर। तो हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो है वो इन डिटेल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेबर रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये टॉपिक्स हमें अच्छे से समझकर और याद कर कर जाने हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक जो हो इन डिटेल जो है वो क्लियर हो गए हो।